नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो है सो छह ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मैं गलती करता था और फिर उसके बाद मैंने उस गलती को सुधारा कि एक नया जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो उस कौन से वो छह, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं पर ऐसी जो छह चीजें, मोटी मोटी छह चीजें जिसको उसको सबसे पहले देखना चाहिए, सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए और सबसे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मार्केट का ट्रेंड, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट जो है सो वो अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है, मतलब एक रेंज में है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में है। अब इसको पता करने के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके, मतलब आप डे टाइम फ्रेम देख सकते हो, आवरली देख सकते हो, वीकली देख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरह की ट्रेडिंग करते हो। अगर आप बहुत महीने, 2 महीने या 6 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप मंथली देख लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 या 3 हफ्ते के लिए तो आप वीकली देख लीजिए, और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए डे ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है और एंट्री के लिए 1 घंटे का समय भी अच्छा होता है। इंट्राडे में अपन लोग 1 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो करंट जो मार्केट की जो सिचुएशन है, जो उसका ट्रेंड है वो है क्या, क्योंकि ये पता करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई अपनी पहली बात। अब अगला हमारा है, अब हमें पता चल गया कि भाई ट्रेंड जो है सो हमें पता चल गया कि भाई अप ट्रेंड में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट खुली और खुलते के साथ ही आपने बाय का बटन दाब दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। सब लोग करते हैं, मैं भी वैसी गलती अभी भी करता हूं कभी कभी, और पहले तो बहुत करता था, सभी करते हैं जो नए लोग होते हैं। अपन लोगों को जब भी एक ट्रेंड चल रहा होता है तो अपने को ये स्विंग लो, जो भी ये जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया होता है ये एक्चुअली बाइंग एरिया है, उसके बाद फिर अगर रिट्रेस करेगा तो ये बाइंग एरिया है। जो भी ये करेक्टिव वेव आएगी, ये करेक्टिव वेव जो भी आएगी ये होता है हमारा एंट्री का पॉइंट, और हमें इसी जगह पर एंट्री लेनी चाहिए, जिससे ये क्या होगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा। अगर मार्केट ये रेंज में है तो हमें पता है कि ये सपोर्ट एरिया हो गया, सॉरी ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया, हमें पता है कि ये रेंज में है मार्केट, तो यहां पर जैसे ही जाएगा तो हमें पास सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मतलब पुट बाय करेंगे या फिर कॉल को सेल करेंगे। अगर मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर आएगी तो हम यहां पर जो है सो या तो पुट को सेल करेंगे या कॉल को बाय करेंगे, जैसी हमारे जैसा हमारा काम करने का तरीका है हमें वो करना है। मगर आंख बंद करके अपन लोगों को ट्रेड में नहीं कूदना है, अपन लोगों को एक जो है सो एरिया देखना है कि भाई जो बेस्ट बाइंग एरिया कौन सा हो सकता है। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब तीसरा क्या हुआ, हमें सबसे पहले ट्रेंड पता चल गया मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। दूसरी बात, अब हमें पता चल गया कि भाई मार्केट जो है सो एक करेक्शन दे रहा है, ठीक है, या फिर रेंज में है और वो रेंज के अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। अब हमारा जो सेटअप है वो आपका एक होना चाहिए जिसके ऊपर कि आपको कंडीशन, वो कंडीशनल होता है जो सेटअप होता है, वो कंडीशनल होता है कि अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो मैं ये वाला सेटअप यूज करूंगा, वो वाली कंडीशन रही तो वो वाला यूज करूंगा। अब जैसे कि सपोज अपन लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं जो कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आरएसआई नीचे अपने लगा के रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एमएसईडी लगा के रखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मार्केट रेंज में है, माइट भी हो सकता है कि ये चैनल के ऊपर हो। अब हर तरह की लोगों की आदत अलग होती है, कितने लोग होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, कितने लोग होते हैं वो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ये जो है सो आपको अपना पता होना चाहिए कि आपकी सबसे ज्यादा जो बेस्ट प्रैक्टिस है अभी तक का, जो आपने प्रैक्टिस किया उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो किस सेटअप के ऊपर आया है, तो आपको वो यूज करना है। उसके बाद जैसा रैंडम ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब रैंडम ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है, रैंडम ट्रेडिंग का मतलब है कि मार्केट सपोज एक रेंज में है, ठीक है ना, और मार्केट यहां पर उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई जो कि बुलिश कैंडल है। अब यहां पर अगर आप उसको ट्रेड करोगे तो आप एसएल कहां लोगे, इसके नीचे, और टारगेट कहां लोगे, यहां पर। तो आप ये देखिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है ही है, बहुत खराब है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेडिंग में अपन लोगों को ना रिवॉर्ड के ऊपर कम ध्यान देना होता है, सबसे पहले होता है रिस्क कवर करना होता है। तो आप इस ट्रेड के ऊपर कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो ये जो रिस्क होता है ये हमें कवर करना है। इसीलिए कभी भी रैंडम ट्रेडिंग इन द सेंस कि जब तक वो बेस्ट बाइंग लेवल पे ना आए तब तक हमें जो है सो ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी हालत में बिल्कुल नहीं लेना है। अब या तो वो यहां पर आए या यहां पर आए, और सेम कंडीशन में हमारी चैनल पे रहती है, ठीक
बीच में अपन लोगों को ट्रेड लेने लेना है, सेम कंडीशन हमारी जो है सो एक, अब जैसे ये चल रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या चढ़ते इस पे चलते चलते में ले लोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये एक रिट्रेस नहीं देगा, एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिट्रेसमेंट पे नहीं आएगा, तब तक अपन लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चलती हुए इस पे अगर आप चलेंगे, ये अब ये रॉकेट चल रहा है, अब रॉकेट में चल रहा है तो कभी भी फट सकता है, ये हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए आपका ट्रेड लेते के साथ ही। और ऐसे ट्रेड लेने में क्या होता है कि आपका एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बिल्कुल बेकार हो ही जाता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो 70% हो जाते हैं, सिर्फ 30% ऐसा होता है कि लक बाय चांस आपको प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं तो बहुत ही बड़े चांस है कि आपको यहां पर लॉस होगा। अब उसके बाद क्या है ना कि एसेट बिहेवियर का यहां पर जो ऐसा मतलब क्या हुआ, मेरा यहां पर जो लिखने का मतलब हुआ, एसेट बिहेवियर का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, और भी बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि सिर्फ एक स्टॉक्स या दो स्टॉक्स होते हैं वो उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। आप सभी लोगों ने पता नहीं नाम सुना कि होगा कि नहीं होगा, एक ओलिवर वेलेज करके ट्रेडर है, बहुत ही मतलब भयंकर ट्रेडर है, वो यूएसए के ट्रेडर है, उनका अपना जो है सो चैनल भी है, आप उनको चैनल को देख सकते हैं। वो जो है सो वो आज तक उन्होंने 30 साल में सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर काम किया है। अब वो आप देख लेना कि वो किस स्टॉक पे काम किया उन्होंने, आपको पता चलेगा फिर वो क्यों करते हैं हम लोग किसी एक स्टॉक पे काम या फिर किसी एक इंडेक्स के ऊपर, ताकि उसका जो बिहेवियर हमें पता चलेगा कि मार्केट जब वो ऐसे जाएगा, वो जब ऐसे करेगा तो उसका क्या होगा, पिछली बार क्या हुआ था वो हमें याद रहता है। हर बार अगर हम नए इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे तो उसके बिहेवियर को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर उसने एक सिचुएशन पे आया तो वो सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करता है, पिछला उसका क्या ऐसा हिस्ट्री था जो कि वो अब रिपीट करेगा। हमें जब हिस्ट्री नहीं पता होगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो क्या रिपीट करेगा। तो हमें जो है सो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हो वो सिलेक्टेड हो और हम उसी पे डे टू डे ट्रेडिंग करते रहे। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप जो है सो झोलझाल में है, अगर आप दुविधा में है, अगर आप किंतु परंतु में है, उस समय तो ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यार हो सकता है नीचे भी आ जाए, या फिर वो एक छोटी सी रेंज में फंस गया है और इसी में वो घूमता जा रहा है, या फिर वो छोटे से चैनल में फंस गया है वो इसी के अंदर घूमता जा रहा है। तो यहां पर इस कारण जब भी आपको कोई भी दुविधा हो, किंतु परंतु हो, वहां तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, वहां छोड़ दो, अलग हट जाओ, कोई बात नहीं, जो सोचा है वो होने दो। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि दिल और दिमाग दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और मार्केट कुछ और कहता है। तो अपन लोगों को जिस समय ऐसा दुविधा हो वहां पर अपन लोगों को ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। तो ये 6 वो पॉइंट थे जो गलतियां मैं अभी भी कभी कभी करता हूं, कोई हर कोई कर, पता नहीं हर किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो करता ही हूं अभी भी, पर मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी गलती को रिपीट ना करूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और उसको रिपीट उसको दोहराएंगे नहीं दोबारा। तो दोस्तों फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।